हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। वैशाली में एक युवती की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, वैशाली जिला से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। वैशाली में एक युवती संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी क्षेत्र के बरियापुर गांव निवासी रामभवन राय की पुत्री कामनी कुमारी 23 वर्ष के रूप में हुई है। मृतका के रिश्तेदार ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मौत के बाद परिजन शव को ठिकाने लगाने ले जाने लगे। तभी उसी गांव में रह रही युवती की बुआ को इस बात की खबर हुई तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद बिदुपुर थाने के पुलिस अलर्ट हो गई। युवती के पति के मोबाइल को सर्विलांस पर रखकर हाजीपुर नगर समेत कई थाने के पुलिस अधिकारी क्षेत्र की नाकेबंदी कर दिया। तभी युवती के ससुराल वाले शव को सदर अस्पताल में रखकर भाग निकले, लेकिन पुलिस ने युवती के पति को गिरफ्तार कर लिया। मामला बिदुपुर थाना क्षेत्र के मथुराचक गांव की है। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि कामनी की शादी बिदुपुर थाना क्षेत्र के मथुराचक गांव निवासी मुसाफिर सिंह के पुत्र ओम प्रकाश से बीते 22 मार्च 2022 में हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ सास और गोतनी विवाद करने लगी। इसी विवाद को लेकर पति ने उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दिया। शव को ठिकाने लगाने ले जाने लगे, जिसको लेकर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। बिदुपुर थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गला दबाकर एक युवती की हत्या कर शव गायब करने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर तुरंत टीम ने कार्रवाई की। शव को बरामद किया गया है, साथ ही युवती के पति ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बगल में हमारा घर है, हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं कि सवेर में जब उठते हैं तो देखते हैं कि 8 बजे 9 बजे तो भाई तो आते हैं बुलाने की, बोलू चलिए ना बीमार है। हाँ, दूसरे आदमी के माध्यम से ऐसे ऐसा होगा तो हम गए हैं तो तबला लाश लेके भाग गए। गए तो लाश उस सब पता कर रहे तो बिदुपुर आए तो हमारे इनके सारू है, उनके भाई है मनोज जी से रोके कि भाई कहाँ लाश लेके जा रहे हैं। थाना प्रभारी मदद किए, थाना प्रभारी गए कि लाश लेके कहाँ भागेगा। नहीं नहीं, गाड़ी लेके जब भागे तो हम थाना पे गए, वहाँ पे तो प्रभारी सर से बताया कि आपका ग्रीन शेखर बाबू के यहाँ ये लोग पहले गए। ग्रीन शेखर बाबू के पास हम जब पहुंचे वहाँ पे तो बोले कि ये मृत है, तो ये लोग यहाँ से लेके गए। तो लेडीज लोग जो थी दूसरे गाड़ी में लेके ये लोग घर की तरफ गए, और जिससे डेड बॉडी था बोलेरो गाड़ी में वो गाड़ी हाजीपुर की तरफ गया। हम जस्ट थाना 10 कदम बाद ही गए, हम लोग दौड़ते हुए थाना प्रभारी के पास गए, सर को बोले कि सर इस टाइप की घटना है, मेरे भैया की जो साली है उनको इस टाइप से मार दिया गया, दूसरे माध्यम से हमको मतलब चला है। और जब हॉस्पिटल में जब वहाँ पे पहुंचे हम तो वहाँ पे दिलीप जी है वो बोले कि नहीं वो तो एक्सपायर है। तो फिर प्रभारी सर को हम आवेदन दिए और बोले कि सर इस टाइप से मेरी रिलेटिव है जिनको मार के डेथ बॉडी को लेकर भाग रहा है। तो सर तत्परता दिखाते हुए हाजीपुर थाना नगर थाना सदर थाना समय फोन किए, सर्विलेंस पे उनका मोबाइल ट्रेस किया गया और सर का सराहनीय काम था, सर बहुत योगदान किए। और लास्टली जाके मतलब हम लोग को मालूम पड़ा कि सदर अस्पताल में डेथ बॉडी छोड़ के भाग गया। तो उनका जो हस्बैंड है मेरे भैया का जो सारू है वो हॉस्पिटल के पीछे थे, जहाँ से हम लोग उनको धर के लाए और सर को सुपुर्द किए। और रह गई बात की लड़की पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है, 1.5 साल पहले शादी हुआ है, बढ़िया परिवार से बिलोंग कर रही है, 2 साल हुआ है। और ये घरेलू हिंसा ही है और अगल बगल से ही मालूम पड़ा है कि इनको गला दबा के मार दिया गया है। शरीर पे कोई मतलब कि अतिरिक्त निशान नहीं है जिसके निशानदेही पे हम लोग बता सकते कुछ हुआ है, लेकिन ये 1 साल पहले लड़का को मार दिया। अपना लड़का एक था छोटा सा जो थोड़ा विकलांग था मानसिक रूप से, तो उसको भी मतलब कि ये लोग जो है पड़ोसी है, इन लोग का कहना है कि बेटा को भी मतलब ये लोग मार संपत्ति के लिए मार दिया गया है। वही सब घरेलू हिंसा ही है। और बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि लड़की को न्याय हो, निष्पक्ष जांच हो और न्याय हो। जो दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाए। लड़की का ना माँ है ना बाप है ना भाई है, सब उड़ीसा है, वो लोग वहां से आ रहे हैं, हम लोग रिलेटिव आदमी है। जैसे जैसे सुने हम लोग सुबह से लगे हुए हैं और सर का बहुत योगदान है, 2-3 घंटा के अथक परिश्रम के बाद। मेरा नाम अनुज कुमार हुआ। मृतक आपका कौन है? मृतक मेरे भाई की साली है। कहां के रहने वाले हैं? हम बिदुपुर डी के रहने वाले हैं। थाना बिदुपुर ही है हमारा भी इनका।